Hi guys, if you want to know how to prepare your skin before you start makeup, then keep watching this video. For the first step, I am using Glowner from Bella Vita Organic. This is the rose water and face toner and it is really amazing, very light on face and it gives you a very decent glow. I am penetrating the toner in my skin very nicely by massaging it. Now I'm using TNW eye cream. This is I'm using from last 1 week and it is very moisturized, so I really like it. You should do this step before your eye makeup. Actually मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना लूँ, इसलिए मेरा आई मेकअप आप देख सकते हो. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ TNW का सन डिफेंस, विच इज़ अ SPF. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई SPF एटलीस्ट ट्वाइस डेली. वैसे तो रिकमेंड करते 3 घंटे में, लेकिन आप 2 बार तो ज़रूर लगाओ. इट विल ऑलवेज इन्हांस योर स्किन. एज यू कैन सी, दिस इज लिटिल लाइट ऑन माई फेस, बट मसाज करने के बाद ये अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो गया था. Now I'm using Pepi Blem Face Gel Cream, which is papaya gel and it is from Bella Vita again. ये मेरे PR में आई थी और अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है. I love this gel moisturizer. Make sure कि आप सारे creams को और moisturizers को अच्छे से penetrate कर रहे हैं skin में. Now I'm using everyone's favorite primer, which is from Maybelline and I'm applying it on my open pose area only. अब मैं कीको मिलानो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स विच आई हैव यूज्ड. आप लोगों को पता है कि मेरी कैसी पांडा आइज़ है और पफिनेस है. ये एक लौता कंसीलर है जो करेक्टर के बिना मेरे डार्क सर्कल्स पे काम करता है. नाउ आई एम अप्लाइंग येलो कंसीलर फ्रॉम LA गर्ल. दिस इज़ HD कंसीलर. मैं अपने पफिनेस को बैलेंस करने के लिए उसे इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि जो पफिनेस का एरिया है जहाँ हाईलाइट होना चाहिए वहाँ हाईलाइट हो जाए. एंड प्लस ये थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देता है मेरे अंडर आइज़ को, एज यू कैन सी, और काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिल जाती है मुझे इससे. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. आई विल कैच यू लेटर. बाय.